प्रातः क्लास चल रहा था 8964 मंगलवार, चौथी पेज के मध्य आदमी में बात चल रही थी, समझाने बगैर तो कोई चित्र काम का नहीं है। कोई भी इन चित्रों के ऑक्यूपेशन को तो जानती नहीं है, तो बाप आकर के समझाते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये त्रिमूर्ति की जो इतनी महिमा यहाँ चली आ रही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवताएं, तो जरूर उनका भी कोई ऑक्यूपेशन हो तो है ना। अभी शंकर को गुम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शंकर है तो शंकर के लिए फिर ये कहा जाता है, शंकर को तो यहाँ आने का ही नहीं है कुछ। न कोई शंकर कोने में बैठ करके कोई पार्वती को कथा सुनाई है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि शंकर वहां रहते हैं। कहा जाता है उनकी प्रेरणा से गाया जाता है कि वो आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। बरोबर उनका इस समय में वो ही है कि वो कोई विनाश नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं, पर तुम जानते हो कि विनाश कैसे होता है, और सो तो तुम जानते हो। दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं, विनाश होता है आपस में लड़ झगड़ करके। तो बाप ऐसे ही कहेंगे ना, मैं स्थापना विनाश और पालना कराता हूँ। करण करावन हार जो है तो उनका भी तो अर्थ चाहिए ना। कि करणहार किसके द्वारा और करावनहार किसके द्वारा, तो उनका अर्थ भी बैठ करके समझाया जाता है। करणहार करावनहार, समझाते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा करणहार, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा कौन, पांडव गवर्नमेंट का जो हेड है, भगवान जिसको कहा जाता है,
और भगवान कोई कृष्ण को नहीं कहा जाता है। कृष्ण की आत्मा ही तो इस समय में पतित है ना, तो फिर भगवान आकर के कृष्ण की आत्मा को पावन बनाती है। तो गोया कृष्ण की आत्मा स्वयं पावन बन रही है। पावन बनती जा रही है और फिर मुरली बजाती जा रही है। देखो ऐसे ही है ना, पावन बनती जाती है कृष्ण के बहुत जन्म के अंत में। अभी कृष्ण का बहुत जन्म का अंत का अंत कहो या ब्रह्मा का बहुत जन्म के अंत का अंत कहो, वो आज और ये अंत है तो एक ही बात ना। तो आदि और अंत संगम हो गया तो ये समझने की बातें होती है ना। अब ये तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभा में शंकुध्वनि करके गजगोर करके अच्छी तरह से समझाना है कि भाई ये भारत आज से 5000 वर्ष पहले जब सूर्यवंशियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म इस भारत में था तब ये एक ही धर्म था और संपूर्ण शिष्टाचारी था, हीरे जैसा था, क्योंकि जब श्रेष्ठ थे यानी पवित्र थे तो हीरे जैसा। अभी इनको भ्रष्टाचारी किसने बनाया? कब से शुरू हुआ भ्रष्टाचार? और ये भ्रष्टाचार किसने किया? कहेंगे भाई ये 5 विकार रूपी रावण ने, 8964 की वाणी का 5वां पेज, उन्होंने इन सब को इस समय में, क्योंकि इसी ने बनाना शुरू कर दिया ना। किसको बनाया? तो कहेंगे पहले पहले शुरू करेंगे इनको, किनको है? रावण ने पहले पहले भ्रष्टाचारी किनको बनाया है? मुसलमान लोग भी सुनाते हैं कथाओं में कि आदम और हव्वा दोनों स्वर्ग में गए, जन्नत में गए, उनको अल्लाह मियां ने कहा बाड़ी के बीच का फल नहीं खाना, शैतान ने
पहले ही को भड़काया। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले शुरू करेंगे इनको, भड़काना या सब प्रभाव में लेना किसको कहा जाता है? कमजोर पहले प्रभाव में आता है या पावरफुल प्रभाव में आता है? तो आदम और हव्वा इनसे शुरुआत होती है। बाकी सन्यासियों को थोड़ा ही कहेंगे, पहले पहले भ्रष्टाचारी बनना शुरू होते हैं ये। जो भारतवासी हैं तो कौन हुआ भारत और कौन हुए भारतवासी पहले पहले है? भारत कौन हुआ? बा माने ज्ञानी की रोशनी में रत रहने वाला। और उसके दिल और दिमाग में वास करने वाला बाप के दिल और दिमाग में कौन वास करता है? है? जब बाप कहा जाता है तो बाप के दिल और दिमाग में कौन वास करता है? अरे बच्चे ही करते हैं। तो ये हुआ भारत। और इस षष्टि रूपी वृक्ष में पहली पहली रचना हुआ ये राधा कृष्ण। पीछे आते हैं दूसरे धर्म वाले। पीछे माने है द्वापर से, सतयुग में नहीं आते हैं राधा कृष्ण के बाद कोई है। सतयुग में राधा कृष्ण जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनके बाद कोई दूसरे नहीं आते। दूसरे नंबर के लक्ष्मी नारायण आते हैं ना। फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, आठ लक्ष्मी नारायण होते हैं जिनमें सात हैं टाइटलदारी, जो कम कलाओं वाले हैं, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले। जिनमें द्वापर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं नंबर वार, आते रहते हैं। और वो सन्यासी इनको थोड़ा थोड़ा थमाते हैं। थोड़ा थोड़ा शिष्टाचारी बनाते हैं। सन्यासी न होते
तो फिर ये भारत बहुत भ्रष्टाचारी बन जाता। सन्यासी थमाने के लिए आते हैं तो सन्यासियों की भी तो महिमा है ना। तो जैसे महिमा है देवी देवताओं की, वैसे सन्यासी हैं उनकी भी महिमा है। तो जैसे देवी देवताओं की अभी कोई महिमा नहीं है क्योंकि पतित बन गए हैं, भ्रष्टाचारी बन गए हैं। जरूर वैसे ही दूसरे धर्म वाले भी चल चल करके पिछाड़ी में आकर के भ्रष्टाचारी बनते हैं, जबकि पहले धर्म वाले ही भ्रष्टाचारी। जो अपन को गाते हैं कहते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचार हो गया, उनको मालूम ही नहीं है कि कोई 5000 वर्ष के पहले यहाँ शिष्टाचार था, वो पता ही नहीं है उन लोगों को, क्योंकि सभी में उल्टा लिख दिया है। तो ऐसे सभी जो भी पहले पहले धर्म आते हैं वो पहले पहले शिष्टाचारी, पिछाड़ी में वो भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो उनको भी ये मानना चाहिए, तब जबकि तुम समझाएंगे कि बरोबर पहले पहले देवताएं शिष्टाचारी थे, पहले पहले जो धर्म होते हैं वो श्रेष्ठाचारी होते हैं, पीछे वो सतो प्रधान से सतो रजो तमो जरूर आना होता है। ऐसे ही सन्यासियों को भी आना ही पड़ता है, इसलिए अभी वो भी भ्रष्टाचारी है। तो जबकि सभी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, क्योंकि अभी तो सभी पतित तो हो गए हैं, तब ही तो सब पतित पावन को याद करते हैं ना। तो पावन दुनिया है ही शिष्टाचारी, तो पावन दुनिया बनाने वाला कौन? वो तो कहते हैं पतित पावन हमारे परमपिता परमात्मा ही है। अभी उनको ये तो पता नहीं है कि कौन है, वो तो लिख देते हैं सीताराम, फिर ठोक देते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो राम और रघुपति तो फिर त्रेता में हो जाते हैं। उनको भी त्रेता में तो ले आते हैं, फिर वो कृष्ण का और युग बनाई दिया है। कौन सा है? द्वापर बनाई दिया है, नहीं तो राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का युग पहला पहला है। उन्होंने उनको देख करके और द्वापर में एक युग बनाई दिया, जिसमें कृष्ण को दिया है। तो देखो अंधाधुंध भ्रष्टाचारी बन गए ना, क्योंकि श्री कृष्ण को जब भ्रष्टाचारी बनाई दिया
तो सभी भ्रष्टाचारी हो गए। श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण था सतयुग में, वो ही भ्रष्टाचारी। तो जो द्वापर में और कलयुग में आवेंगे, वो भी तो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं ना। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सर्विस में लग जाना है, थक नहीं जाना है। तुम लोगों को अभी श्रेष्ठ बनना है और औरों को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि थक जाएंगे तो फिर भ्रष्ट के भ्रष्ट ही बन जाएंगे। और तुम जानते हो कि जो ये धंधा करते भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाते, अगर खुद भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो वो दुर्गति को पाते हैं। और तुम जानते हो कि बरोबर थक जाते हैं। जो कहते हैं ना, ये रात के राही, ये स्वर्ग के राही, थक मत जाना। अभी तुम जानते हो कि बरोबर कितने थक जाते हैं। आश्चर्यवत फिर जो चलते चलते थक जाते हैं, तो फिर थक जाने से क्या होता है? थक जाने से जिस रास्ते से गए, फिर उस रास्ते पर वापस आ जाते। देखो, अभी यात्रा पर मनुष्य झुंड के झुंड जाते हैं ना। अभी देखो बहुत गए और वहां बहुत बरसात आकर के पड़ी जोर से, बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान, बरसात कोई सहन न करे, कोई कोई सहन कर लेते, तो फिर बहुत ही लौट करके आ जाते हैं। आठ नौ 64 की वाणी का छठा पेज। लौट करके आ गए तो उसी जगह में आकर के पहुंचे ना। यात्रा पर तो नहीं पहुंचे, जाते थे पावन जगह में, फिर लौट करके उसी पतित जगह में पहुंच गए। तो यहां भी क्या होगा? हे राही, अगर तुम फिर हाथ छोड़ करके भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी न बनाया और वापस हो गए, तो फिर वो ही भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, क्योंकि तुम लौट करके आ गए ना, कायर बन करके आ गए ना कि मैं अब नहीं चल सकूंगा। यानी मिसाल तो ऐसे होते हैं ना, मैं स्वर्ग तरफ नहीं चल सकता, अब मैं यात्रा नहीं कर सकता हूं, अभी मुझे माया के बहुत तूफान आ गए हैं, हरड़ी भी मारते रहते हैं। तो देखते हो
तूफान बिगड़ तो कोई लौट कर आवे नहीं। जिसको माया का तूफान बहुत लगता है वो लौट करके फिर उसी जगह में आ जाते हैं, उसी जगह में आ जाना है जहां के पहले थे। तो देखो वापस आ गए ना। आश्चर्यवत चलते चलते शिष्टाचारी बनते बनते अगर फिर भ्रष्टाचारी बन गए तो फिर अपने बाप की निंदा कराई ना। लोग कहेंगे अरे ये चलते चलते थक गए, थक करके वापस आ गए। उसी जगह में आ जाते हैं जिस जगह में आए। बस फिर क्या हुआ? क्या हमारी यात्रा पूरी हुई? ऐसे तो नहीं है कि यात्रा फिर कोई दूसरे वर्ष में या तीसरे वर्ष में करेंगे। वो तो जिस्मानी यात्राएं होती हैं। ये यात्रा तो ऐसी है कि चले तो चलते चलो, चलते चलो, फिर दोबारा ये यात्रा नहीं आने वाली। एक ही बार बाप आकर की ये यात्रा कराते हैं। अगर मुंह फेर दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। मुंह तो फेरते हैं ना, बहुत फेरते हैं। यहाँ शूटिंग में फेरते हैं, फिर द्वापर कलयुग में क्या होता है? है? बहुत हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कहेंगे मुंह तो फेर लिया ना, कल चित्र में भी तो बताया ना कि राम की तरफ से मुंह फेर दिया, परमपिता परमात्मा की तरफ से मुंह फेर दिया और वापस आकर के बैठ गया। वो शिष्टाचारी धंधा छोड़ दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। देखो बनते हैं ना ऐसे, चलते चलते फिर वो थक जाते हैं, फिर वो ही और ही जास्ते भ्रष्टाचारी बन जाते। समझा ना? एक तो भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरा जो बहुतों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो श्रेष्ठाचारी बनते हैं वो बहुतों को श्रेष्ठ बनाते हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं, और जो फिर भ्रष्टाचारी बनते हैं सो फिर औरों को भी नुकसान करते रहते हैं, खुद भी नुकसानकारक बनते हैं। इसलिए तुम्हें शिष्टाचारी बनने की राह से लौटना नहीं है, अच्छी तरह से शंख ध्वनि करते रहो, गवर्नमेंट को भी शंख ध्वनि करो, डरो मत, कायर मत बनो।
नहीं तो क्या हुआ था? संचत्तर में जब इंदिरा गारमेंट गिरी थी, जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस समय क्या हुआ था? हैं? जैसे जो सीढ़ी का चित्र है उसमें लिखा हुआ है कलयुग में भ्रष्टाचारी कांग्रेसी और भ्रष्टाचारी साधु संत महात्माओं का संप्रदाय चित्र लगा हुआ है ना, फटाफट जो कायर थे उन्होंने चित्रों पर चिप्पा चिपकाई दिया। बाद में तो उन चित्रों को ही गायब कर दिया। तो बाप कहते हैं डरो मत, कायर मत बनो, बड़े बड़े भाषण करो, जबकि गवर्नमेंट खुद ही भ्रष्टाचारी है तो जरूर कोई और गवर्नमेंट चाहिए। कैसी गवर्नमेंट चाहिए है? अरे भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को खलास करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट चाहिए? शिष्टाचारी गवर्नमेंट चाहिए। तो बरोबर भ्रष्टाचारियों के ऊपर फिर पांडव गवर्नमेंट, जिन्होंने शिष्टाचारी गवर्नमेंट बनाई है वो पांडव गवर्नमेंट कौन? वो है यह ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। देखो पांडव गवर्नमेंट में तो यही ब्रह्मा कुमार और कुमारियां आएंगे ना। यही आएंगे या वो आएंगे? प्रजापिता ब्रह्मा, उनकी बच्ची हो गई ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। बताओ ब्रह्मा कुमारी किसकी पौत्री? उसका बाप कौन? उसका दादा कौन? दादे है शिव बाबा। शिव बाबा माने बिंदी निराकारी, बिंदी होती है निराकारी। वो निराकारी बिंदी जरूर कोई साकार में प्रवेश करती है। जिस पहले पहले में प्रवेश करती है वो है प्रजापिता। उसका बच्चा हुआ ब्रह्मा। उस ब्रह्मा की बच्ची क्या नाम? ब्रह्मा कुमारी। तो किसकी पौत्री हुई? शिव बाप की पौत्री या शिव बाबा की? तो सर्वशक्तिवान हो गया ना कौन है?
सर्वशक्तिमान कौन हो गया? शिव बाबा। तो सर्वशक्तिमान अपने पोत्र पोत्रियों द्वारा, क्योंकि बच्चा तो एक है ना, किसका? शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा ज्योतिबिंदु शिव बाप का बच्चा, शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, तो उन अपने ब्रह्मा को कुमारियों द्वारा, क्योंकि तुम बहुत हो ना, वो तो एक बाप हो गया। क्या प्रजापिता, एक या दो या बहुत है? एक ही। और ब्रह्मा, ब्रह्मा अनेकों के नाम। तो तुम शक्ति सेना हो गई ना, तुम जानते भी हो कि बरोबर हम खुद भी जो भ्रष्टाचारी थे, अब हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। भ्रष्ट और श्रेष्ठ कहा जाता है पतित और पावन को। जब पतित पावन कहा जाता है तो उसका क्या मतलब हुआ है? अरे पतित कौन, पावन कौन है? पतित प्रजापिता और पावन शिव बाप। जो प्रजापिता में प्रवेश करके शिव बाबा बनता है, तो बरोबर हम पति से पावन बन रहे हैं। किस द्वारा? उस पतित पावन द्वारा, इसके द्वारा नहीं। इसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा नहीं, उस पतित पावन के द्वारा। उसे कह के दूर क्यों कर दिया है? 64 की वाणी है, 76 की तरफ इशारा किया, जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। उससे पहले बाप अप्रत्यक्ष था, आंखों से नहीं देखा जा सकता था। 76 के बाद इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? प्रत्यक्ष हुआ, तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो वो पतित पावन एक और पावन बनने वाली तो बहुत बच्चियां होंगी ना। तो बहुतों का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। उनका धंधा ही है। तो तुम बचाएंगे ना, हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं, हैं? बताएंगे या बता रहे हैं? संख्या 64 में कब बताएंगे? 76 के बाद बताएंगे ना, हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं,
जो शिव बाबा के पोत्र और पौत्रीय हैं। कौन है शिव बाबा, कौन पोत्रे पोत्रिया? तो शिव बाबा का पुत्र कौन है? शिव बाबा का, शिव बाबा का पुत्र है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र है हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो सभी हैं, परंतु वो जानते नहीं है। अपने बाप को नहीं जानते हैं, और हम तो जानते हैं। आठ नौ चौसठ की वाणी का सातवां पेज पांचवी लाइन, हम उनों की मत द्वारा श्रीमत के द्वारा जो भ्रष्टाचारी भारत है उनको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो श्रीमत से श्रेष्ठाचारी उन बगैर कोई कभी बन सकते हैं? कोई नहीं बन सकते। और बस वो ही श्रीमत, और उनको गाया भी जाता है। जो श्रीमत देने वाला है उनका टाइटल क्या गाया जाता है? है श्री 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 108 जगतगुरु। ये रुद्रमाला भी उनके नाम पर है ना, इनके नाम पर नहीं है। और ये रुद्र यज्ञ भी है किसके नाम पर रचा जाता है? उसी रुद्र के नाम पर रचा जाता है जिसने आदि में भी रौद्र रूप धारण किया और अंत में भी रौद्र रूप धारण करेगा। ये श्री श्री 108 जगत गुरु कोई उन सन्यासियों के नाम पर तो नहीं है ना? नहीं, वो तो तुम कह सकते हो कि वो स्वयं भ्रष्टाचारी है। समझा ना? क्योंकि वो परमपिता परमात्मा जो इस भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं, वो उनसे बेमुख करके अपन को कह देते हैं हम जगत गुरु, अपना टाइटल रखा लेते हैं क्या? श्री श्री 108 श्री सच्चिदानंद जी महाराज वगैरह वगैरह। जगत यानी सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि को सदगति देने वाला गुरु बाप कहते हैं। अब ऐसे गुरुओं को छोड़ दो जो छोटे मोटे संप्रदाय के गुरु बनकर के बैठे हैं। जैसी गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी, वैसे उनके गुरु भी भ्रष्टाचारी हो गए। और वहां नई दुनिया में तो कोई गुरु होते ही नहीं है,
शिष्टाचारी देवताओं को गुरु की कोई दरकार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। समझा ना? जबकि शिष्टाचारी बनाई दिया फिर गुरु की दरकार ही नहीं है, तो वहां कोई गुरु नहीं होते हैं। तो देखो शिष्टाचारी बनाया किसने? सदगुरु ने। गुरु अनेक होते हैं और सदगुरु, सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु निराकार, जरूर निराकारी स्टेज वाला होगा। तो देखो शिष्टाचारी सदगुरु ने बनाया, न कि न कलयुगी अनेक गुरुओं ने बनाया। ये सभी प्रकार के भाषण के लिए एक तो धारणा चाहिए। अब ये तो सब बच्चे जानते हो कि हाँ इसमें बहुत है जो कुछ भी नहीं धारण कर सकते हैं, न धारण कर सकते हैं न दूसरों को कुछ भी समझा सकते हैं। तो जरूर उनका पद भी ऐसे ही कम होगा। सर्विस कम तो पद भी कम। सारा मदार है बच्चों की सर्विस के ऊपर। तो जो जो अच्छी तरह से शंख ध्वनि करेंगे और बहुत शंख चाहिए। कौन से शंख है? ये मुख क्या है? ये मुख भी शंख है। क्योंकि बाबा भी रहम दिल, हम बच्चे भी रहम दिल, जावे शंख ध्वनि करें, कहां से भी चांस मिले, कोई फर्स्ट क्लास निमंत्रण मिलते हैं तो चलो, उनको भी भ्रष्टाचार से शिष्टाचार बनावे। तो पहले तो ये माताओं का काम है ना, है? माताओं का काम क्यों है? पहले है तुम शक्तियों का काम, बच्चियों का काम। सन एंड डॉटर, सोज फादर एंड मदर, यहां तो मदर एंड फादर है। तो मदर एंड फादर तो बाप को ही कहेंगे ना। तो बरोबर हमारा फर्ज है, हमको तरस आता है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको श्रेष्ठाचारी बनावे। जब मुरली सुनते हो ना तो तुम लोगों को शौक आता है कि हम ऐसे जाकर के और ऐसे मुरली बजावे। परंतु जिनको मुरली बजाने का शौक ही नहीं होता है तो बस सुना और ठंडा, नहीं तो गरम होना चाहिए ना। बस अभी हम बादल भरे,
ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, हम जा करके शंख ध्वनि करें। अभी शंख ध्वनि करने वाले की ताकत चाहिए ना, सब तो शंख ध्वनि नहीं कर सकेंगे। ताकत चाहिए कि ये जो तुम लोग कहते हो भ्रष्टाचार शिष्टाचार, पहले समझो तो सही कि शिष्टाचार किसको कहते हो। या जो कहते रहते हो पीस पीस पीस, ये पीस कब थी? शांति चाहिए, शांति चाहिए। कौन कहेगा शांति चाहिए शांति चाहिए है? अरे जिसने रसगुल्ला कभी खाया होगा वो ही तो रसगुल्ला चाहिए कहेगा ना, और जिसने खाया ही नहीं वो कैसे कहेगा रसगुल्ला चाहिए। तो जो कहते हैं शांति चाहिए शांति चाहिए, जरूर इस दुनिया में कभी सुख और शांति थी ना, तो पीस भी कब थी? और पीस अर्थात शांति कौन स्थापन करने वाला है? कोई मनुष्य थोड़े ही पीस स्थापन कर सकते हैं, नहीं तो भला बतावे पीस कब थी? किस पीस को तुम चाहते हो? ये कलयुग में अनेक भ्रष्टाचारी धर्म है, वहां पीस कैसे होगी? तो बरोबर पीस थी तब थी जबकि बाप ने आकर के इन रावण द्वारा ये जो पीसलेसनेस है उसका विनाश किया था। पीस स्थापन हुई थी 8964 की वाणी का 8वां पेज। ये सभी रावण संप्रदाय को तो विनाश होना चाहिए, तो बरोबर गाया हुआ है कि राम गयो रावण गयो। कब गयो? जब महाभारत की लड़ाई लगी, जिनके बहु पर व्यार, तो बरोबर जो भ्रष्टाचारी थे वो भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाए रहे हैं, तो थोड़े है ना, ये राम की संप्रदाय तो थोड़ी है ना, और उनमें भी देखो कितने नंबर वार हैं। कोई इतना शंख ध्वनि करने वाला मजबूत नहीं है। बेचारे फंसे हुए हैं खाए में है? लगाव झुकाव जब जाता है ना, तो जिसमें लगाव झुकाव लग जाता है, कोई किसके मोह में कोई किसके मोह में, और कहने मात्र तो बस कहते हैं हाँ बाबा आप तो हमारे पतियों का भी पति हैं, परंतु पतियों के पति को याद करती है खींच खींच के आधा घंटा पाव घंटा,
बाकी सारा दिन याद करती है उन पतियों को, किन पतियों को, जिनमें मोह लग जाता है, बार बार खिंच के उन्हीं तरफ चली जाती है। अभी बिचारे उन पति को कितना याद करने से उनका विकर्म विनाश कितना होगा। जिनको जो रात दिन अपने पतियों को, मित्र संबंधियों को याद करती होंगी, याद करती है बहुत, क्यों याद करती है, हैं? अरे कोई कारण है, संगात संजायते कामा है, संग करने से कामना उत्पन्न होती है, तो बहुत याद करती है क्योंकि उनके साथ संग रहती है। और इनके साथ तो रह नहीं सकती है, किनके हैं, पतियों के पति के साथ तो रह नहीं सकती है। हाँ, इनके साथ रहें, परंतु सबको रहने का हुक्म नहीं है। वो कहती है नहीं, यहां तो बाबा जानते हैं कि तुम रह जाओ, परंतु यहां भी माया ऐसी है कि 25 वर्ष भी रहने वाली को भी दूर ज्ञान का नहीं होता, धूल भी शिष्टाचारी नहीं बनते, जो कोई को शिष्टाचारी बनावे, और ही भ्रष्टाचारी बन गए हैं। शिष्टाचारी नहीं, और ही भ्रष्टाचारी, क्योंकि फिर माया है ना। यहां अगर कोई रह करके शिष्टाचारी न बने तो माया और ही भ्रष्टाचारी बना देती। क्या माया ऐसे क्यों करती है, है? यहां रह करके, बाप के पास रह करके कोई शिष्टाचारी न बने तो माया उनको और ही भ्रष्टाचारी क्यों बनाई देती है? क्योंकि माया को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, क्या, कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, ये माया उनको तुम खूब फटकाओ। देखो कैसे नाक से पकड़ती है और फिर भी देखो संग दोष, भ्रष्टाचारी से किसका शिष्टाचारी का संग न हो। गायन है संग तारे कुसंग बोरे, बड़ा ही रंग लग जाता है। अनुभव कहता है अगर कोई सर्वसेवुल नहीं है और फिर भी सर्वसेवुल के साथ रहा पड़ा है तो वो डिस सर्विस वाले का रंग सर्विस के ऊपर भी पड़ जाता है, ये भी देखा गया है। अनुभव भी ऐसे कहता है कि बरोबर संग तारे कुसंग बोरे। अभी यहां तो तुम्हारे पास संग भी अच्छे बच्चों का है, कहां है,
मधुबन में जो है उनका संग भी अच्छे बच्चों का है, अच्छों का है। फिर कुसंग का भी है जी, क्या बात? मना बाबा के पास जो रहे पड़े हैं उनको भी देहधारियों का संग लग जाता है, मोह में लटक जाते हैं। क्या होता है? लगाओ झुकाओ, तो लगाओ झुकाओ की निशानी क्या बताई है? अभी ऊपर निशानी बताई ना, मुश्किल से आधा घंटा, पौना घंटा, पाव घंटा बाप को याद करेंगे और बाकी बुद्धि का योग कहाँ जाएगा? जिसमें लगाओ झुकाओ लगा पड़ा है वो स्पेशली याद आते रहेंगे। ये भी देखा गया, अनुभव भी ऐसे कहते हैं कि बरोबर संगत आ रहे कुसंग बोरे। राम राज्य में बरोबर संग भी था, कुसंग भी था। कौन से राम राज्य में? त्रेता में है? राम राज्य में संग भी था कुसंग भी था। जो इसलिए फिर देखो वो ग्रहचारी लग जाती है, तो संग भी बड़ा खराब है। इसमें बड़ी खबरदारी करना चाहिए। माया ऐसी है जो पता भी नहीं पड़ता किसको कि बरोबर हमको कोई माया काट रही है, इसको भी पता ना पड़े। ऐसी बहुत चतुर माया है, जैसे चूहा चतुर होता है ना, क्या करता है? है ठंडी ठंडी फूंक मारता है, घर धनी है ना, तो इस समय में घर धनी रावण है। इस घर भारत में कैसे ये भारत जो घर है, इसमें घर धनी रावण कैसे है? हैं? रावण के हाथ में सारी धन संपत्ति है इस घर की, जिसको कहा जाता है धृतराष्ट्र। राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गया। अरे वो रावण ऐसा उस्ताद है, पता भी किसको न पड़े बिल्कुल ही नहीं, एकदम ठंडा कर देता, सर्विस का शव की उड़ाई देता। किसका है? जिनको लगाओ झुकाओ की बीमारी लग जाती है उनको ईश्वरीय सेवा का शौक उड़ जाता है। किसकी सेवा में लग जाएंगे? हैं? जिससे देहधारी के लगाओ झुकाओ में होंगे उसी की सेवा में लग जाएंगे। तो माया ऐसी कड़ी है। ओम शांति।